हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस के राइट इशू की बात करने जा रहे हैं और दोस्तों आज ये क्लोज हो चुका है और हम सभी को इंतजार था कि ये जल्दी से क्लोज हो और जिन भी लोगों ने अप्लाई किया है उन सभी को ये शेयर मिल जाए। और दोस्तों इसका इंतजार भी इसलिए था क्योंकि 30 साल बाद कंपनी इतना बड़ा राइट इशू लेके आई है और जिसमें आपको जो रिलायंस का शेयर है वो बहुत सस्ते में मिल रहा है। अब दोस्तों हमने अप्लाई तो कर दिया, दूसरा बिग क्वेश्चन ये आ रहा है कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। क्या जितने शेयर थे उतने लिए ही एप्लीकेशन आई है या उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आई है, और किस किस को ये शेयर मिलेगा, कब आपको पता लगेगा कि ये शेयर आपको डीमैट में क्रेडिट किया गया है। साथ ही साथ अभी आपने केवल 25% दिया है, रिमेनिंग अमाउंट आप कब देंगे, तो ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूं कि 20 मई से ये अनाउंस हुआ था कि रिलायंस के राइट इशू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आज ही के दिन यानी 3 जून 2020 को इसकी क्लोजिंग हो गई। अब कल से आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास रिलायंस के 15 शेयर थे तो उसके बदले में आप एक राइट शेयर के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो इस रेशियो में ये शेयर मिलने थे। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि रिलायंस का ये जो शेयर आपको 1257 में मिलेगा, इसकी आज की वैल्यू 1543 रुपए है, यानी 286 रुपए 286 रुपीज पर शेयर पर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो आपको काफी बड़ा फायदा होने वाला है। और दोस्तों उसके अलावा आपने आज के टाइम में केवल 25% पैसा कंपनी को दिया है जो कि ₹314.25 है, तो एक तरीके से 1543 का शेयर आप आज अप्लाई कर रहे हैं केवल 314 रुपए में और जो मिलेगा 1257 में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, यानी इस इश्यू साइज की बात करें तो ये 53125 करोड़ का था और इसके लिए ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, यानी कि जितने शेयर थे उससे कहीं ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। और ये जो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं 1.6 टाइम्स हुआ है। अगर इसको आसान शब्दों में मैं आपको शेयर्स के फॉर्म में बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं कंपनी ने जो ऑफर किए थे वो 42.26 करोड़ ऑफर किए थे, जबकि इसके लिए जो बिड्स रिसीव हुई हैं यानी जो लोग इन्हें खरीदना चाहते हैं, जितने शेयर खरीदना चाहते हैं, वो 67.11 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो दोस्तों ये हम देख रहे हैं कि ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, काफी लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों अप्लाई भी क्यों ना करें, क्योंकि इतना महंगा शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है वो भी केवल 25% का अमाउंट देके। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो 67.11 करोड़ के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है वो बीएससी के थ्रू, एनएससी के थ्रू और ईएसबीए के थ्रू, तीनों के थ्रू आई है। बीएससी के थ्रू करीबन 48.5 करोड़ आई है और एनएससी के थ्रू 5.64 करोड़ आई है। और दोस्तों आपको ये बता देता हूं मैं, जो सबसे ज्यादा लोग पूछना चाह रहे हैं कि ये शेयर उन्हें मिलेगा कब, तो दोस्तों ये बता देता हूं 11 जून 2020 को ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अलॉटमेंट है वो कंपनी करीबन 10 जून को कर देगी और डेट ऑफ क्रेडिट जो है वो 11 जून को यानी थर्सडे के दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और दोस्तों जब ये 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे तो इस राइट शेयर को अलग से लिस्ट किया जाएगा और ये 12 जून को फ्राइडे के दिन लिस्ट भी हो जाएगा बीएससी और एनएससी पे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है अभी जो रिलायंस के मेन शेयर हैं उनके संग ये मर्ज नहीं होंगे, ये अलग से रखे जाएंगे क्योंकि इनमें केवल अभी आपने 314.25 रुपए दिए हैं। और दोस्तों जब आप सारी किस्त दे देंगे, पूरा दे देंगे, तो ये दोनों शेयर रिलायंस के राइट शेयर और जो रिलायंस के ऑलरेडी इशूड शेयर हैं दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और ये एक हो जाएंगे। अब दोस्तों ये भी बता देता हूं मैं आपको कि 25% जो आपने पैसा भी 3 जून तक दिया है वो 314.25 दिया है, नेक्स्ट जो 25% आपको देना है वो अगले साल मई 2021 में देना है। और दोस्तों जो 50% रिमेनिंग रह जाएगा वो इकट्ठा आपको नवंबर 2021 में देना है जो कि 628.50 रुपए आएगा, तो इस तरीके से आपको रिमेनिंग अमाउंट देना है। तो दोस्तों जिसको भी ये शेयर मिलेगा मैं वेट करता हूँ और विश करता हूँ आप सभी को ये शेयर मिल जाए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस किस को ये शेयर मिला है, पर फाइनल जो डेट हमें बता चुके हैं वो हम ये बता चुके हैं कि 11 तारीख को 11 जून 2020 को ही आपको पता लगेगा। तो दोस्तों उस दिन बात करेंगे हम किसको ये शेयर मिला, उस वक्त देखते हैं ये शेयर बढ़ता है या कम होता है और कितना एक्चुअल आपको फायदा हुआ। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक यू।